नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका चैनल गार्डनिंग एंड आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज का जो पौधा है वो पौधा है चंपा। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दोस्तों चंपा का पौधा है। आज की वीडियो में आज मैं आपको जो इस चंपा के पौधे के बारे में बता रहा हूँ, तो आज आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने कि जो चंपा का पौधा है ये बेस्ट डेकोरेटिव प्लांट्स के अंदर आता है। आप जरा इस पौधे को देखें, ये पौधा बहुत ही सुंदर पौधा होता है और इस पौधे को आप अपने घरों में, किसी ऑफिस के बाहर, किसी पार्क में, कहीं भी जहां भी आप चाहते हैं वहां आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों से अनुरोध करते हैं आप हमारा चैनल गार्डनिंग एंड आयुर्वेदा को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, और कोई भी आपको बात लगती है किसी भी पौधे के रिगार्डिंग, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं, चंपा के पौधे के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है दोस्तों चंपा का पौधा। इस चंपा के पौधे के ऊपर सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और मीठी मीठी खुशबू दोस्तों इन चंपा के फूलों में से आती है। मैं अभी आपको एक पौधा ऐसा भी दिखाऊंगा जिस पौधे पे फूल आए हुए हैं। अभी दोस्तों ये देखें आप, इस पौधे पे दोस्तों देखें ध्यान से, ये फूल आया हुआ है, ये चंपा का फूल है। और अगर हम इसकी खुशबू लें तो इसमें से सेंटेड बहुत अच्छी मीठी मीठी सुगंध आ रही है। ये देखें दोस्तों, ये चंपा का पौधा है और ये बहुत ही डेकोरेटिव प्लांट होता है। ये एक तनी इसकी ऐसे ऊपर चलती है और बाकी ऐसे इधर उधर ऐसे भाग जाती हैं टहनियाँ। बहुत ही सुंदर दोस्तों पौधा, बहुत ही सुंदर पौधा होता है। ये कई वैराइटीज़ में दोस्तों आता है। ये देखें, एक तो ये वैराइटी है, ये नुकीले पत्तों के अंदर आती है, और एक ये वैरायटी है, ये थोड़े से राउंड शेप में आती है, राउंड शेप्ड हो गई। ये देखो, दोनों पे, इन पे फूल दोनों पे सफ़ेद रंग का ही आता है। इसके फूल के अंदर ये देखें, ये बीच में येलो डॉट आपको दिख रहा है। ये देखो कितनी सुंदर है दोस्तों चंपा। इसको आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, आप इसको किसी भी पार्क के बीच में लगा सकते हैं, जहाँ भी आपको मन करे आप वहाँ पे इसकी डेकोरेशन ले सकते हैं दोस्तों चंपा के पौधे की। ये कितना सुंदर पौधा होता है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं आपको एक चंपा दिखाता हूँ जिस चंपा के ऊपर बिल्कुल रेड कलर के फूल होते हैं। ये देखें, इस चंपा का फूल देखिए दोस्तों, बिल्कुल रेड कलर। ये एक स्पेशल वैरायटी आती है चंपा की। ये देखें आप इस पौधे को, ये चंपा का पौधा है दोस्तों और बिल्कुल रेड कलर का इसके ऊपर फूल आता है। ये वैसे अगर इसके खरीदने की बात करें तो ये थोड़ी सी महंगी होती है उस वाइट फूल वाली चंपा से। ये देखें कितना सुंदर फूल है, डेकोरेशन ऐसी बनेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। अभी मैं आपको एक पौधा और दिखाऊंगा, उसके ऊपर हल्का सा गुलाबी, हल्का गुलाबी फूल होता है। ये देखे दोस्तों, ये एक गुलाबी फूल आता है इस चंपा के ऊपर। इसके जो पत्ते होते हैं थोड़े से छोटे साइज़ के होते हैं, जो अभी मैंने अभी आपको चंपा दिखाई थी उसकी तुलना में थोड़ा सा छोटा, और नुकीला पत्ता बिल्कुल भी नहीं होता, आगे से राउंड शेप में पत्ता होता है। ये देखे दोस्तों, ये गुलाबी फूल है, हल्का गुलाबी इसके ऊपर कलर आया हुआ है। बहुत ही सुंदर दोस्तों पौधा होता है, ये छोटा सा पौधा है दोस्तों। आप इस पौधे की भी शेप देख लीजिए, कितना सुंदर पौधा दोस्तों ये लगता है। अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो आप सफ़ेद फूल, लाल फूल और एक ये गुलाबी फूल, किसी भी चंपा को आप देख सकते हैं, और जो भी आपको अच्छी लगे डेकोरेशन सब की बहुत सुंदर बनती है। अभी मैं आपको एक पौधा दिखाता हूँ, यहीं मेरे नज़दीक में लगा हुआ है, उस पौधे की सुंदरता को आप देखना, बहुत ही भारी पेड़ वो हो चुका है, अभी दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल सड़क के ऊपर ये पौधा लगा हुआ है हमारे पास यहाँ नर्सरी में।
इसकी सुंदरता का आप जरा देखिए, कितना सुंदर पौधा है, हवा के साथ ही कितना सुंदर लहरा रहा है, चारों तरफ झुमके की तरह इसमें फूल लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, पौधे की सुंदरता देखिए दोस्तों। यह पौधा आप डेकोरेशन के पर्पज़ से आप लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं इस पौधे को, बहुत ही सुंदर पौधा बनता है। चंपा का पौधा दोस्तों, ये सफ़ेद फूल वाली चंपा है। अभी एक पौधा और दिखाता हूँ, अभी आप देखिए ये हमारे बराबर वाले प्लॉट में लगा हुआ है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखें दोस्तों, ये चंपा का पौधा है, ये कितना भरा हुआ पौधा है, बिल्कुल पेड़, पूरा का पूरा पेड़ बना हुआ है। ये देखें आप कितना सुंदर पौधा है। चंपा की तो डेकोरेशन, लोग पूछेंगे पौधा कहाँ से लाए, कौन सा पौधा है। आप चंपा की डेकोरेशन बनाइए अपने घरों में, अपने प्लॉट में, अपने किसी भी मैदान में, जहाँ भी आपको लगे आप वहाँ पर इस चंपा के पौधे की डेकोरेशन बनाएं। बहुत ही सुंदर पौधा, बिल्कुल सुंदर। ये देखें इसकी जो ये तनियां होती हैं दोस्तों, ये जो तनी, जिसकी इसकी जो तनी है, ये इस तनी के कारण दोस्तों ये पौधा बहुत ही सुंदर उभर कर आता है। ये देखें जितनी भी शाखाएं इसकी निकली हुई है उसके कारण ये पौधा बहुत ही सुंदर उभर कर आता है। आपको पूरे भारत में दोस्तों ये पौधा आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। जिस भी कलर का फूल आपको चाहिए आप इस पौधे को लगा सकते हैं। ये देखें फूल कितने सुंदर दोस्तों फूल लग रहे हैं। अगर आप भी इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो आप किसी भी अपने नज़दीकी नर्सरी में जाएं और चंपा के नाम से इस पौधे को मांगें। बहुत ही सुंदर पौधा है दोस्तों। लगाने के बाद हर कोई बंदा आपसे यही पूछेगा कि यह पौधा कौन सा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।